We will do a gift of chappals from Honeycomb Book, Grade 7, CBSE. अब अपने चैप्टर को शुरू करने से पहले कुछ इसकी आउटलाइंस जान लेते हैं. मृदु इज अ यंग गर्ल ग्रोइंग अप इन मद्रास, नाउ कॉल्ड चेन्नई, विद तापी हर ग्रैंडमदर एंड थाता हर ग्रैंडफादर. मृदु जो है एक छोटी सी लड़की है जो कि मद्रास में बड़ी हो रही है, जिसको अब आजकल हम मद्रास की जगह चेन्नई बोलते हैं, और वो रहती है अपनी तापी यानी ग्रैंड मदर के साथ और थाता यानी ग्रैंड फादर के साथ. वन आफ्टरनून तापी टेक्स हर टू हर आंट रुक्मणी'स हाउस टू मीट हर कजन्स लल्ली रवि एंड मीना. एक दिन तापी यानी जो उसकी ग्रैंड मदर थी वो उसको रुक्मणी आंटी के घर लेकर गई ताकि वो अपने कजन्स से मिल सके, जिनके नाम थे लल्ली रवि और मीना. अ स्माइलिंग रुक्मणी थ्रू अपॉन द डोर. अब जो रुक्मणी आंटी थी उन्होंने बड़े मुस्कुराते हुए दरवाजा खोला. रवि एंड मीना रश्ड आउट एंड रवि पुल मृदु इनटू द हाउस. रवि और मीना जो हैं उन्होंने जैसी बाहर निकले उन्होंने फौरन मृदु को अपने साथ अंदर घर में खींच कर ले गए. वेट, लेट मी टेक ऑफ माई स्लीपर्स, प्रोटेस्टेड मृदु. मृदु ने कहा, अरे भाई रुको रुको, पहले मैं अपनी चप्पलें तो बाहर उतार दूं. शी सेट देम आउट नीटली नियर अ पेयर ऑफ लार्ज ब्लैक वंस. और उसने अपनी जो चप्पलें थी वो उतार कर बड़े किनारे से उसको एक जो बड़ी ब्लैक कलर की चप्पलें रखी थी उसके बगल में लगा दिया. दोज वर ग्रे एक्चुअली विद डस्ट. और वो जो चप्पलें बड़ी वाली काली रखी हुई थी वहां पर वो बिल्कुल ग्रे हो रही थी, धूल से भरी थी. यू कुड सी द क्लियर मार्क ऑफ एवरी टो ऑन द फ्रंट पार्ट ऑफ ईच स्लीपर. और चप्पलों पे जो आगे जब हम पैर में पहनते हैं धूल भरी चप्पल तो क्या होता है, हमारे पैरों के निशान बन जाते हैं. तो जैसे हर फिंगर का इम्प्रेशन जो है चप्पल के आगे दिखाई दे रहा था. द मार्क्स ऑफ द टू बिग टोज वर लॉन्ग एंड स्क्रॉनी. और जो दो बड़े अंगूठों के निशान थे वो देख के बड़े डरावने से लग रहे थे, खूब लंबे लंबे और अजीब से थे. मृदु डिडंट हैव मच टाइम टू वंडर अबाउट हू स्लीपर्स दे वर. अब मृदु के पास इतना समय नहीं था कि वो चेक कर पाती कि चप्पलें हैं किसकी. बिकॉज रवि ड्रैग्ड हर इनटू द बैकयार्ड बिहाइंड अ थिक बिटर बेरी बुश. क्योंकि जो रवि था वो उसे खींच कर पीछे ले गया जहां पर एक छोटी सी बुश थी जो काफी घनी थी. देयर इनसाइड अ टॉर्न फुटबॉल लाइंड विद सैकिंग एंड फिल्ड विद सैंड ले अ वेरी स्मॉल किटन लैपिंग अप मिल्क फ्रॉम द कोकोनट हाफ शेल्फ. और उस झाड़ी के पीछे उन्होंने क्या था, एक फटी हुई फुटबॉल थी जिसमें मतलब जैसे कहते ना हवा निकल जाती है पिचक जाती है, उसमें उन्होंने खूब सारी रेत भर रखी थी और उसके ऊपर एक छोटा सा बिल्ली का बच्चा बैठा हुआ था जो कि जो कोकोनट होता है उसकी जो आधी वाली शेल है उसमें उन्होंने उसको दूध भर के दिया था और वो उसे पी रहा था. वी फाउंड हिम आउटसाइड द गेट दिस मॉर्निंग. ये जो है हमको सुबह सुबह हमारे गेट के बाहर मिला. ही वॉज म्यूइंग एंड म्यूइंग पुअर थिंग सेड मीना. और वो जो है बेचारा छोटा सा बच्चा था म्याऊ म्याऊ कर रहा था, मीना ने बताया. इट्स अ सीक्रेट अम्मा सेज पट्टी विल लीव फॉर अवर पट्टू मामाज हाउस इफ शी नोज वी हैव अ कैट. उसने कहा कि ये जो है हमारा एक राज है क्योंकि अम्मा कहती है पाती जो है वो सीधे पट्टू मामा के घर चली जाएगी अगर उसे पता चल गया कि हमारे घर में एक बिल्ली है. पीपल आर ऑलवेज टेलिंग अस टू बी काइंड टू एनिमल्स बट वेन वी आर दे स्क्रीम. लोग हमसे हमेशा कहते हैं कि जानवरों के प्रति दया दिखाओ, पर जब हम दया दिखाते हैं तो फिर वो हम पर चिल्लाते हैं. ओह डोंट ब्रिंग दैट डर्टी क्रीचर हियर सेड रवि. फिर वो कहते कहते अरे इस गंदे से जानवर को हमारे पास मत लाओ. रवि ने बताया, डू यू नो हाउ हार्ड इट इज जस्ट टू गेट अ लिटिल मिल्क फ्रॉम द किचन. और तुम्हें पता है कितनी मुश्किल से मैं जरा सा दूध जो है किचन से कैसे निकाल के लाया हूँ इसके लिए. पाती सॉ मी विद अ ग्लास इन माई हैंड जस्ट नाउ. और पाती ने जो है देख लिया था कि मेरे हाथ में दूध से भरा हुआ ग्लास है. आई टोल्ड हर आई एम वेरी हंग्री. मैंने उससे कहा नहीं नहीं मुझे बहुत भूख लगी है. आई वॉन्ट टू ड्रिंक इट. और मैं जो हूँ दूध पीना चाह रहा हूँ. बट द वे शी लुक्ड एट मी आई हैड टू ड्रिंक मोस्ट ऑफ इट टू थ्रो हर ऑफ द सेंट. और
जब वो मेरे से जिस तरह से देख रही थी कि मुझे उसने लग रहा था कि पिएगा नहीं पिएगा, तो मजबूरी में मुझे आधे से ज्यादा दूध उसके सामने खत्म करना पड़ा ताकि ये लगे कि हाँ मुझे भूख लगी है। Then she wanted the tumbler back. अब वो कह रही है जब दूध पी लो तो इसे वापस रखो। पाती पाती, I'll wash it myself. Why should I put you to trouble? I told her. तब मैंने बड़ी मुश्किल से कहा, अरे नहीं पाती पाती, मैं खुद धो लूंगा, मैं इतनी सी चीज के लिए तुम्हें क्यों परेशान करूं? I had to run and pour the milk into this coconut shell. और मेरे को जो है, मैं फिर जल्दी से वहां से, जैसी पाती की नजरें बची, मैं जल्दी से भाग कर बाहर आया और जो जितना बचा हुआ दूध था वो इस कोकोनट शेल में डाल दिया। एंड देन रन बैक एंड वॉश द टम्बलर एंड पुट इट बैक बिफोर शी गॉट रियली सस्पिशियस। और फिर मैं जल्दी से भाग कर अंदर गया, वहां मैंने इस टम्बलर को धोया और बिल्कुल वैसे ही रख दिया, नहीं तो अगर जरा सा भी मैं थोड़ा सा भी देर करता या नहीं धोता तो पाती को मुझ पर शक हो जाता। नाउ वी हैव टू थिंक ऑफ सम अदर वे टू फीड महेंद्रन। अब हमें जो है दूसरा तरीका निकालना पड़ेगा महेंद्रन को खाना देने का। महेंद्रन, दिस लिटिल किटीज नेम इज महेंद्रन? मृदु वॉज इम्प्रेस्ड। अब मृदु कह रही है, महेंद्रन, इस जरा से बिल्ली के बच्चे का नाम महेंद्रन है? वो बहुत खुश हुई, बहुत इम्प्रेसिव नाम लगा उसे। इट वॉज अ रियल नेम, नॉट जस्ट अ क्यूट किटी कैट नेम। और उसे ऐसा लगा कि ये असली नाम है, ये किसी किटी कैट की होती है, यानी कैट के बच्चे का जो है, ऐसी छोटा सा क्यूट सा नाम नहीं रखा है, प्रॉपर नाम रखा है महेंद्रन। एक्चुअली हिज फुल नेम इज महेंद्र वर्मा पल्लवा पुन्न। डाउटनट के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आइए देखते हैं कि ये डाउटनट ऐप आप अपने पढ़ाई पे कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। नहीं, एनपी पोन्नई फॉर शॉर्ट इफ यू लाइक। एक्चुअली इसका पूरा नाम क्या है, महेंद्र वर्मा पल्लवा पोन्नई। अगर तुम चाहो तो इसको एमपी पोन्नई भी बोल सकते हो। ही इज अ फाइन ब्रीड ऑफ कैट, और ये जो है बहुत अच्छी नस्ल का किटन है। जस्ट लुक एट हिज फर, इसके फर को देखो, लाइक अ लायंस मेन, बिल्कुल शेर की खाल जैसी है। And you know what the emblem of the ancient Pallavas king was? Don't you know? He looked expectingly at Mridu. Mridu ke gild. Aur bilkul kya kehte hain, tumhe pata hai na ki jo ancient Pallava kings the, unke emblem yani unka symbol kya tha? Usne Mridu ki taraf jo hai dekhte hue kaha ki haan, usko Mridu ko pata hoga. To Mridu jo hai aise muskura di. Think I'm joking? Well, just wait. Tumhe kya lag raha hai? Tum kya soch rahe ho ki main mazak kar raha hu? एक मिनट रुको। अच्छा, आई शो यू सम टाइम, मैं तुम्हें बताऊंगा, ये थोड़ा रुक जाओ, फिर मैं तुम्हें दिखाऊंगा भी और बताऊंगा भी। इट्स क्लियर यू डोंट नो अ थिंग अबाउट हिस्ट्री। इससे पूरा क्लियर होता है कि तुम्हें हिस्ट्री के बारे में कुछ भी नहीं पता। हैवंट बीन टू महाबलीपुरम हैव यू? ही सेड मिस्टीरियसली। तुम कभी महाबलीपुरम नहीं गई? कभी देखा है महाबलीपुरम के बारे में? उसे जो है लगा कि मृदु को उसके बारे में नहीं पता है। वेल, When our class went to Mahabalipuram, I saw a statue of his thathas, 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 etc., etc. पर जब मैं महाबलीपुरम गया था अपनी क्लास के साथ, तो मैंने वहां एक स्टैचू देखी थी। और वो स्टैचू कैसी थी? ग्रैंडफादर के ग्रैंडफादर के ग्रैंडफादर के ग्रैंडफादर के ग्रैंडफादर करके और मतलब खूब सारी जो है ग्रैंडफादर्स मिला के जो है उसने एक स्टैचू देखी थी, बहुत ओल्ड स्टैचू। फैक्ट इज महेंद्रन Here is descended from that very same ancient cat. और इससे मेरा कहने का मतलब ये है, ये जो महेंद्रन है, ये उसी ancient cat की जो है आगे की पीढ़ी है। A close relative, scientifically speaking, of none other than a loin. और ये जो है उनका बहुत करीबी रिश्तेदार है। अगर कहा जाए तो ये जो है एक तरह से loin breed है। The Pallava loin, emblem of Pallava dynasty. और ये जो है पल्लवास का लॉइन है, जो कि वहां की डायनेस्टी का एम्बलम था, यानी चिन्ह था। रवि वेंट ऑन वॉकिंग अराउंड द बिटर बेरी बुश वेविंग अ ट्विग अप एंड डाउन। और रवि जो है इस तरह से बातें करता जा रहा था, चलता जा रहा था, वो जो झाड़ी थी उसके चारों तरफ घूमता जा रहा था, कभी ट्विग उसकी पकड़ के ऊपर नीचे कर रहा था और बोलता जा रहा था। हिज आईज स्पार्कलिंग, जब वो कह रहा था तो उसकी आंखों में चमक आ रही थी। दिस कैट इज अ डिसेंडेंट ऑफ नन अदर देन महाबलीपुरम ऋषि कैट। ये जो कैट है, मुझे ऐसा लगता है कि जो वहां के महाबलीपुरम की ऋषि थे उनकी कैट की पीढ़ी से है। एंड इफ आई मे जस्ट रिमाइंड यू, दे वर्शिप कैट्स इन एंशिएंट इजिप्ट। और अगर मुझे जहां तक याद है और मैं तुम्हें बतलाऊं, तो
एंशिएंट इजिप्ट में भी कैट्स को वर्शिप किया जाता है। हाउ ही लव्ड द साउंड ऑफ हिज ओन वॉइस, मीना एंड मृदु एक्सचेंज लुक्स, और वो जिस तरह से अपनी बातों से बोलता जा रहा था उसे अपने आप को बड़ी खुशी हो रही थी, और मीना और मृदु जो है आपस में एक दूसरे को देख रही थी। What does that have to do with anything? मृदु demanded. पर उन सब बातों से अभी हमें क्या लेना देना है, मृदु ने कहा। हाँ, I am telling you, this cat is descended from the Egyptian cat god. No, goddess. That's it. Yeah, that's it. So? अरे मैं तुमको ये बता रहा हूँ कि ये जो कैट है ये वही इजिप्शियन कैट गॉड की डिसेंडेड है, मतलब वही की पीढ़ी से है, उन्हीं की उन्हीं के कर्स को बिलोंग करती है, और ये गॉड नहीं है, ये गॉडेस है, यानी देवनी देवी है। जो बैस्टर्ड किससे? हाँ मैं बिल्कुल सही कह रहा हूँ, एकदम से किसी ने कहा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर देना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, थैंक यू। इसका अगला पार्ट भी अभी जल्दी ही आपके पास आ जाएगा। वी विल डू।